वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से कि किस तरह का मेकअप इन है, किस तरह का मेकअप आउट हो चुका है। और चूंकि अब शादियों का सीजन भी चल रहा है तो ऐसे में आपको कुछ टिप्स आई हूँ, तो आज हमारे पास ब्यूटिशियन मौजूद होंगी। रुबा ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू द शो रुबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ आज हम आपकी मुलाकात जो है बाइकर टूरिस्ट से भी करवाने हैं। वैसे टूरिज्म के बहुत सारे शौकीन अफराद होते हैं जो ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अपनी मदर के साथ ट्रैवल करना बाइक पर, वो भी जो कह लें 4000 किलोमीटर प्लस, और किस तरह का सफ़र रहा इनका, कब इन्होंने शुरू किया, हम वेलकम करेंगे कदीर गिलानी और उनकी वालिदा का। वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपके आने का। कदीर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये सफ़र जो आपने किया बाइक के ऊपर किस तरह का रहा और क्या सोच कर आपने ये सफ़र शुरू किया? मैं पहले 12 साल से बाइकिंग कर रहा हूँ टूरिज्म के वाले से। तो पिछले साल मैंने वालदा को टूर कराया था नारायण का ना। हम गए थे लेक सफलुक वगैरह देखने बाइक पे। तो उससे फिर मैंने सोचा कि मैं वालदा को पूरा नॉर्थ दिखाऊंगा, कश्मीर पाकिस्तान के सारे नॉर्थ पहाड़ी इलाके दिखाऊंगा। जी जी ठीक है। तो मैं फिर प्लान किया था जनवरी में, और मई में ये था कि मैं अम्मी को लेके जाऊंगा क्योंकि रमज़ान है और मेरा काम के हवाले से मुझे छुट्टियां होती हैं पूरे रमज़ान में। तो इसलिए फिर मैं रमज़ान का प्लान करके फर्स्ट रमज़ान को हम यहाँ से निकले थे और पूरा शुमाल कवर करके हम 24 दिन में कहाँ कहाँ गए आप ट्रेवल करने? हमने शुरू किया था कलाम साइड से, कलाम, कुमराट वैली, चित्राल, कलाश, सही। उसके बाद हम चले गए शंदूर टॉप क्रॉस करके गिलगित गए थे, यासीन वैली गए थे, और हंजा नगर, पसु और चाइना बॉर्डर, फिर देवसाई प्लेन्स और अस्तोर वगैरह सारा हमने। अच्छा, ये सब बाइक पर आप? जी। आप तो रास्ते भी बड़े मुश्किल होते हैं, तो किस तरह से वालदा को लेकर आप गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाइक का तो वैसे एक्सपीरियंस था और जीप ट्रैक्स पे मैं चलाता रहता हूँ तो वालदा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, आपसे अंतिम जानना चाहेंगे, आपको कैसा लगा सफर करके, और मुश्किल नहीं लगा कि इतने खतरनाक रास्तों पे बाइक पर जाना? नहीं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। तो आप कदीर के साथ जाने को आराम से तैयार हो गई थी या आपको डर लग रहा था? नहीं, कोई डर नहीं, बिल्कुल आराम से किए, बल्कि कहने लगा आप गाड़ी पे जाए, मैं बाइक पे। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, अगर तुम जा सकते हो तो मैं नहीं जा सकती। जबरदस्त, बस इसके साथ। तो कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी वहाँ पर? सभी जगह अच्छी है, देवसाई, चित्राल, गिलगित, बहुत अच्छा है। चित्राल जो गोल है ना, गोल नेशनल पार्क, बहुत अच्छा बाग, बहुत अच्छा है। इससे पहले भी कहीं आप सफर वगैरह करती रहती थी? नहीं, पहली दफा जिंदगी में, पहली दफा किया। अरे जबरदस्त, तो फिर तो आपको और भी ज्यादा आपने एंजॉय किया होगा। हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, इसने कराया तो मैंने देख लिया। हाँ कहा अब इंशाल्लाह हम जा रहे हैं सिंध बलूचिस्तान की तरफ। ये एक्चुअली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो कि हमें पहले पता नहीं था कुछ। फिर जो एक्सपीरियंस बंदे थे उन्होंने कहा कि ये आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कम अज़ कम 3 महीने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है गिनीज वालों को। तो इस बार फिर मैंने सोचा था, हमने प्लान तो था सिंध बलूचिस्तान का, तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी जाएंगे इंशाल्लाह। अरे लवली लवली, ठीक है। रुबा भी हमारे साथ मौजूद है। रुबा, अब शादियों का सीजन चल रहा है और मेकअप किस तरह का है ना आजकल? आजकल बहुत सॉफ्ट मेकअप चल रहा है और हर क्लाइंट की यही डिमांड होती है कि मुझे बहुत लाइट सा हो और मेकअप भी हो। तो ड्रेसिंग के हिसाब से आजकल बहुत कूल सा जो न्यू जो है मेकअप वो ही हुआ हुआ है। अच्छा, मेकअप जो मेकअप के साथ साथ हेयर स्टाइल्स, हेयर कलर, हेयर स्टाइल्स और हेयर कलर डाइंग का लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है, हेयर डाई का। और साथ में हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि मेरे पार्टी मेकअप के साथ मुझे कर्ल्स दिए जाएं। और बैकमिंग को भी बिल्कुल अब कम कर दिया गया है। अच्छा, आप चूँकि डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स, कुछ रेड के साथ जाती हैं, कुछ जो पेस्टल शेड्स हैं उनके साथ जाती हैं, तो किस तरह का मेकअप जो है वो ज़्यादा कॉमन आपको लगता है कि ये ब्राइडल के लिए अच्छा है या पार्टी वेयर के लिए अच्छा है? ब्राइडल्स का तो आजकल ये कॉपर शेड में रेड के साथ चल रहा है, और पार्टी मेकअप में ड्रेसिंग के हिसाब से जैसे उनका ड्रेस है, वन शेड उनके अंदर उन्हीं के ड्रेस के हिसाब का दिया जाता है।
सही सही। अच्छा तो आज भी हम जब बात कर रहे थे सुबह भी, तो मैं ये देख रही थी कि लोगों में हेयर कलर आप सिंगल टोन चल रहा है या स्ट्रीक्स कर रहे हैं या जो क्या किस तरह की। हर क्लाइंट की अपनी ही डिमांड है, कुछ लोग स्ट्रीक्स को लाइक कर रहे हैं, कुछ जो नए चंग्स टाइप्स आए हैं उनको कर रहे हैं। तो ये अब ये है कि जैसे वो पहले कॉपर कलर थे वो काफ़ी कम हो गए हैं, अब लोग सब ऐश में आना चाह रहे हैं, गोल्डन ब्राउन में आना चाह रहे हैं। सही ठीक हो गया। अच्छा कहती मैं आपसे भी जानना चाहूँगी क्योंकि आप जब ट्रेवल करते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपोजर भी आपको मिलता है, डिफरेंट कल्चर्स भी देखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, तो सबसे ज़्यादा क्योंकि डाइवर्सिटी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह की चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, कुछ शेयर करें हमारे साथ। मुझे वैसे ही पठान वैसे पसंद है, उनकी मैं बोली भी थोड़ा सा जानता भी हूँ और सीखने की कोशिश भी करता हूँ। इसके अलावा हम कल्चर वाइज तो एक कैलाश वालों का जो कल्चर है, एक पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट कल्चर है उनका, उसके और गिलगित बल्तिस्तान वाले ये मेहमान नवाज लोग हैं और ज़ीरो क्राइम रेट है, हम जहाँ मर्जी अपनी चीज़ छोड़ के चले जाएं वापस वहीं मिलेगी आपको। उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपको खुद आके कहेंगे कि कोई हेल्प की ज़रूरत है, मतलब सब कुछ छोड़ के वो आपकी मदद करने जाएंगे। अच्छा। अपना भी कोई काम होगा गिलगित बल्तिस्तान। कल हमारे पास बल्कि पर सैटरडे को एक ग्रुप भी आया हुआ था वहाँ से, और वो लोग भी उस म्यूजिक, उनका जो फोक म्यूजिक था वो प्ले कर रहे थे, और मैंने देखा वाकई वो बातों से कहते कि हमारे यहाँ उस स्पेसिफिक एरिया में भी 6 ज़बानें बोली जाती हैं। बिल्कुल। और लेकिन हम फिर भी ज़बानें जानते भी नहीं, लेकिन हम सब बहुत जुड़े हुए हैं। ऐसे ही है, उनमें शिना बोली जाती है, बल्ती बोली जाती है, इसके अलावा कुछ पश्तो भी बोली जाती है। म्यूजिक इतना जबरदस्त है, डेफिनेटली वो जबरदस्त है कल्चरल म्यूजिक। हमने एक रात गुजारी, हमने कल्चरल म्यूजिक भी सुना था हमने। हाँ जी। और उसके अलावा हम लोगों ने हमें इनवाइट किया हुआ था जब हमने यहाँ से शुरू किया ट्रैवल। हाँ। तो मैंने फेसबुक पे जब पोस्ट लगाई थी तो वहाँ के जितने मेरे व्यूवर्स थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपने घरों में मुझे दावत दी थी। Lovely. हम उनके घरों में रहे हैं, KPK में भी हम लोगों के घरों में रहे हैं, मतलब एज ए गेस्ट रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना उनसे कोई मसला हुआ, और उनका कल्चर तो कमाल का, खाने कमाल के हैं, उनका म्यूजिक कमाल का, ट्रेडिशनल चीज़ें कमाल की हैं, मतलब वहाँ की जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं जबरदस्त चीज़ हैं। अच्छा, हर लिहाज में वो बहुत अच्छे। अच्छा, कोई फर्क नहीं लगा, जैसे आप लाहौर से है ना बेसिकली। हाँ जी। तो आप तो, हम तो कहते जी लाहौरी बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े गर्मजोश हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये सब देखने वहाँ सबसे ज्यादा। अच्छा, वहाँ उनकी तो बात ही क्या है। अच्छा, आप वहाँ पे तो सर्दी भी बड़ी ज्यादा रही होगी। हम दियोसाई में गए थे तो दियोसाई में 3 फुट बर्फ थी उस वक्त, जब जून के मेरा ख्याल 5th June था, तो 3 फुट बर्फ थी आगे पीछे सारा, तो उधर सर्दी थी काफी। वरना अल्लाह का शुक्र है हमें हर तरफ जो है ना क्लियर मौसम मिला है और जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, खूबसूरत जगह तो बहुत सारी हैं, और जो लोग ट्रेवल बाहर से भी करके आते हैं कहते हैं पाकिस्तान जैसी खूबसूरती कहीं भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज आप कहेंगे, जहाँ पे आपको कल्चर भी बड़ा अच्छा लगा और चीजें भी एक हाईलाइट होती है, तो कौन सी जगह थी, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी। मेरे हिसाब से तो अगर खूबसूरती में जाया जाए, मुझे जो सबसे अच्छा इलाका लगता है वो अस्तोर वैली है। अस्तोर वैली कहाँ पे आती है? ये आप अगर गिलगित की तरफ ट्रैवल कर रहे हो शार रेशम पे, तो उधर से राइट एंड टर्न 50 किलोमीटर पे अस्तोर शहर आ जाता है, वहाँ से आगे वैली है जिसमें दियोसाई है, मिनीमग वगैरह है। अच्छा, और अच्छा। बहुत बड़ी वैली है, काला पानी है, रुपल है, त्रिशिंग है, नांगा पर्वत है, ये मतलब इसमें बहुत ऐसी जगह हैं, झीलें हैं कि बंदा एक महीना भी फिरता रहे तो वो ख़त्म नहीं हो सकती आपसे। हाँ, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। जी, आपको कौन सी जगह अच्छी लगी? मुझे बताया वो ज़्यादा दियोसाई बहुत खूबसूरत, वहाँ की सबसे खूबसूरत, मुझे नाम नहीं आते हैं। नहीं, दियोसाई की अगर बात करें तो आपको सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी? दियोसाई खुद सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और उससे ज्यादा चित्राल गिलगित है, वो पता नहीं कौन सी जगह है, जहाँ बहुत अच्छी हरियाली और हर तरह का, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत।
गोल नेशनल पार्क, गोल नेशनल पार्क में चित्राल में हमने और खुंजराब पे हमने आईबैक्स वगैरह भी देखे थे, कुदरती तौर पे नजर आए, रोड पे चकोर भी नजर आई, ये चीजें मतलब आम तौर पे नहीं नजर आती। उसके अलावा पढ़ी लिखी इतनी नहीं, मुझे नहीं जी पढ़े लिखे होने के लिए जहर में नहीं रहता ना, लेकिन मजेदार आपका एक्सपीरियंस देखें, आपने इतनी जगह घूम ली, मैंने अभी तक नहीं घूमी है, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ कि मुझे अभी मैं अभी आपके पिक्चर्स देख रही हूँ तो इतनी खूबसूरत पिक्चर्स है, जगह बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टूर करने जा रहे हैं उसके लिए यही है कि अम्मी को पूरा बलोचिस्तान तकरीबन कवर करवाएंगे इंशाल्लाह, और सिंध भी दिखाएंगे, पूरा पाकिस्तान दिखाने का मूड है, फिर इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड टूर के लिए भी जाऊंगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा रुबा, आप मेकअप करने वाली हैं, किस तरह का मेकअप आज आप करेंगी? आज हम इनके साथ लाइट ऑन में आई शेड देंगे और डार्क लिपस्टिक लगाएंगे, डार्क लिपस्टिक लगाएंगे और जोन आई शेड्स में मतलब शिमरी भी आजकल, शिमरी आजकल है वही करूंगी, वही करेंगे जी बिल्कुल। ठीक हो गया रुबा, साथ से थोड़ा सा बताती भी रहे कि आपने बेस कौन सी, क्योंकि लोगों को बेस के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है हमेशा। आजकल मार्केट में बेशुमार बेसिस हैं, वैसे तो हम टीवी की करते हैं, एक्वा की करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि ये इसकी बेस बनाना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, तो मार्केट में डर्माकुल के नाम से भी बेस है, आप वो ले और उसको आप जल्दी से यानी कि प्राइमर लगा के फौरन बेस बना सकते हैं और उससे काफी काम आपका। प्राइमर आजकल बहुत ज्यादा कहा जाता है कि क्योंकि प्राइमर से मेरे ख्याल से बेस सेटल ज्यादा अच्छी होती है, सेटल स्किन टोन जो हमारी स्किन होती है ना उसके जो पोर्स ओपन हुए होते हैं उनमें जब हम डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे बेस की तो वो स्किन के अंदर नहीं जाती, तो ऊपर ऊपर जैसे वो रह जाता है कि उनकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती, इसलिए प्राइमर लगाना जरूरी होता है, जरूरी होता है प्राइमर। अच्छा वैसे ना मैं प्राइमर के हवाले से शेयर करती चलूँ, प्राइमर से डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं तो वो जिस तरह से रुबा भी बता रही है आपके पोज, मेरे खुद भी यहाँ पे पोज का इशू होता है तो मैं प्राइमर का इस्तेमाल करूँ तो काफी अच्छा। नेचुरल प्राइमर भी बड़े अच्छा होता है, जैसे आप एलोवेरा है उसका इस्तेमाल अगर आप एज अ प्राइमर करते हैं उससे भी बहुत इफेक्टिव होता है वो, मैंने वो ट्राई भी किया है, इनफैक्ट मार्केट में वो बॉटल्स में एलोवेरा भी मिल जाता है, लेकिन आप बेहतर है घर पे हर एक के मेहाल से एलोवेरा होता है, एलोवेरा का इस्तेमाल भी आपकी स्किन के लिए अच्छा, मैं भी थोड़े थोड़े टोट के दे सकती हूँ आपको मेकअप के आज, क्योंकि रोज इतना ज्यादा मेकअप करती हूँ तो मुझे आइडिया हो जाना है तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँ। अच्छा जनाब, क्योंकि हम ट्रेवलिंग की बात कर रहे थे, अभी मैंने देखा कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह भी हैं जिनको लोग एक्सप्लोर मतलब जिनका आप कह लें एक्सपोयर या उन पे ट्रेवल करने का इतना ज्यादा रुझान अब बहुत बड़ा है लोग ट्रेवल करने, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एब्रॉड ट्रेवल कराते हैं लेकिन वो पाकिस्तान को इतने अच्छे से एक्सपोज नहीं। एक्चुअली दो साल पहले तो बिल्कुल लोगों को इतना ओनो नहीं था कि भाई पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं, इसमें बाइकर्स कम्युनिटी और ट्रैकर्स कम्युनिटी को मैं दाद दूंगा जिन्होंने ये 3-4 साल इतनी मेहनत की है और पाकिस्तान के जो हिडन प्लेसेस हैं उनको उजागर किया है, लोगों को दिखाया है फेसबुक के जरिए, मतलब जैसे एक दी कराकरम क्लब है वो अपना काम कर रहा है, मतलब मुख्तलिफ क्लब्स हैं, ट्रैकर क्लब है, जड़ा वाला ट्रैकर क्लब, ये अपने पास से टाइम और पैसा स्पेंड करके पाकिस्तान टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को बाहर से पाकिस्तान में बुला रहे हैं, जैसे एक कमाल हैदर साहब हैं उनके बेटे हैं वो, उन्होंने मतलब छोटा 11-12 साल का बच्चा है जिसने 6000 मीटर से अबव जो है पाकिस्तान में चोटी सर की है, तो उसको डेफिनेटली उन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने देखा हाँ। और लोग उसको देख के यहाँ आए हैं। मेरे ख्याल से टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं, इंटरनेशनली लोग टूरिज्म के लिए इतना काम कर रहे हैं और उससे इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है कि आप एक अच्छा खासा डिपार्टमेंट है और हमारे पास तो वैसे ही हम कल्चरली और इस तरह से बहुत रिच कंट्री है, अगर हम अपनी टूरिज्म को प्रमोट करें तो बहुत सारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बेनिफिट हो सकता है। और मैं चूंकि अभी ट्रेवल करके आई हूँ मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि वहाँ पर ऐसी जगह भी हैं जैसे हम पाकिस्तान में बात करते हैं उससे पाकिस्तान में से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने उनके वहां पर लोगों को फैसिलिटेट इतना ज्यादा कर दिया, उनके लिए इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज वहां पर कर दी है। अब मैं एक जगह पे गई दैट इज लाइक कोलोराडो स्प्रिंग्स और वहां पे रेड रॉक माउंटेन्स थे, वो माउंटेन्स जो थे
वो पाकिस्तान में उससे कहीं खूबसूरत माउंटेन्स है, लेकिन एट द एंड वहाँ पर उन्होंने रास्ते बहुत अच्छे बना दिए, वहाँ पर लोगों के लिए एक्टिविटीज़, म्यूजियम, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अपनी प्रिजर्व कर लेते हैं कि वो लोगों के लिए वैसे अट्रैक्शन हो जाती है। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा टिकट भी नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी करके पूरे अमेरिका से लोग वहाँ पर उसको देखने आते थे मुख्तलिफ स्टेट्स में से। तो अगर हम भी टूरिज्म के हवाले से काम करें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, मैं लम्हा फिक्री ही कहूँगा इसको, कि आज तक इस चीज़ पे कोई गौर नहीं था, लेकिन इस गवर्नमेंट में आते ही जो है कुछ टूरिज्म की तरफ रुझान हुआ है। उससे पहले बिल्कुल टूरिज्म के हवाले से कुछ नहीं था कि लोग बाहर से आते हुए डरते थे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान पूरा मन है जी। ये टूर का हमने मकसद भी रखा था जो लास्ट टूर किया है कि पुरअमन पाकिस्तान है, कहीं भी आप जा सकते हैं, फ्रीली जाएं, कोई बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब खूबसूरत भी है कोई, ठीक है। हाँ जी ठीक हो गया, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। जनाब जिस तरह से कभी कह रहे हैं कि टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान बहुत रिच कंट्री है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो जो है हम बहुत सारे इससे फायदे भी हासिल कर सकते हैं, और इतनी खूबसूरत कंट्री को एक्सप्लोर ना किया जाए ऐसा कैसे हो सकता है। और अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मैं और भी मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर।